तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी आपको कैसे कर लेनी है। देखिएगा दोस्तों, इसके लिए आप सभी को इस वीडियो को देखना होगा बिल्कुल लास्ट समय तक, तभी जाके दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ पाएगा। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का आपका विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी आपको कैसे कर लेनी है। पूरी तरह से दोस्तों आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022-23 विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर दोस्तों आज हम यहाँ पर हल सहित देखने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएंगे ताकि आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन दोस्तों आसानी से समझ में आ सकें। तो देखिएगा दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो, पूरा का पूरा आपका जो विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर होगा वो बिल्कुल इसी प्रकार से यहीं से बनकर आया है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाए। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ में अगर दोस्तों आपने चैनल पर नए हो या चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को पूरा का पूरा हमारे द्वारा जो आपका स्टडी मटेरियल अपलोड किया जाता है वो आप सभी तक दोस्तों बराबर पहुँचता रहे। देखिएगा, कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का विज्ञान विषय का जो क्वेश्चन पेपर होगा इसमें दोस्तों क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि मैं यहां से आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में यहां से पूछे जाएंगे और इन सबकी तैयारी आपको कैसे कर लेनी है। तो चलिएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाए ताकि दोस्तों आप सभी को पूरा आपका विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ सकें। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन पातज पदार्थ नहीं है। देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डी नंबर का। क्या नहीं है दोस्तों? डी नंबर में आपको चिन्ह लगा लेना है, नमक। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, द्रव्य धातु का नाम है। देखिएगा दोस्तों, द्रव्य धातु का नाम आपका पारा आ जाएगा, ये आपको दोस्तों लिख लेना है। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन, तापमान का एसआई मात्रक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा गया है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक दोस्तों केल्विन है। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है। देखिएगा, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का आ जाएगा, तीनों में होती है। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, एवोगाड्रो स्थिरांक है। देखिएगा, पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए नंबर का आ जाएगा। आप सभी लोग यहाँ से इसके ऊपर चिन्ह लगा लेंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होती है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा, इसके में दोस्तों सबसे अधिकतम होती है। और उसी के अलावा सातवें नंबर का क्वेश्चन, सोडियम का रासायनिक प्रतीक है। देखिएगा, सातवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, इसमें आपको लिख लेना है Na। और उसी के अलावा ये आठवें नंबर का क्वेश्चन लिखा है, जी का सर्वाधिक मान होता है। देखिएगा दोस्तों, आठवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसमें दोस्तों आपको लिख लेना ध्रुवों पर। चलेगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा यहाँ से आप लोग दोस्तों आसानी से देख सकते हो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कुछ इस हिसाब से आपसे पूछी जाएगी। चलेगा दोस्तों, जल्दी से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख पढ़ो समझ लेते हैं। तो देखिएगा, पहला जो लिखा है दोस्तों, एक ही तत्व में परमाणु है जिनमें द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। देखिएगा, यहाँ से आपको लिख लेना समस्थानिक। क्या लिख लोगे दोस्तों? समस्थानिक। आप लोग यहाँ से इसको लिख लें तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, वे परमाणु है जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन लिखा गया है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा संभारिक। तो यहाँ से आप लोग लिख ले संभारिक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, परमाणु के नाभिक में उदासीन कर्ण होता है। देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है इसमें आपको लिख लेना न्यूट्रॉन, क्या लिख लोगे दोस्तों यहाँ से आप लोग लिख लोगे न्यूट्रॉन, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लें। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, पादप कोशिका की भित्ति की बनी होती है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया दोस्तों इसमें आपको लिख लेना सेल्यूलोज, पादप कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, आप सभी लोग इस जगह से इसको नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, लाइसोसोम को वाली थैली भी कहते हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से आपको लिख लेना है आत्मघाती, आत्मघाती थैली भी इसे कहा जाता है लाइसोसोम को, तो आप सब लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, सभी कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाती है। देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कोशिका झिल्ली, क्या लिख लोगे इसका राइट आंसर आप लोग कोशिका झिल्ली, तो आप सब लोग यहाँ से इसको लिख लेंगे सभी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, ध्वनि मापन की इकाई होती है। देखिएगा दोस्तों यहाँ से आपको लिख लेना डेसिबल, ध्वनि मापन की इकाई दोस्तों डेसिबल होती है, आप सभी को पता होगा दोस्तों ये बात। तो देखिएगा इसी के अलावा यहाँ से आपसे सही जोड़ी पूछी जाएगी। देखिएगा दोस्तों सही जोड़ी का मिलान आपको कैसे कर लेना है, तो देखिएगा पहले नंबर की सही जोड़ी का मिलान आपको ई से कर लेना है, दूसरे नंबर की सही जोड़ी का मिलान दोस्तों आपको एफ से कर लेना है, और तीसरे नंबर की सही जोड़ी का मिलान दोस्तों आपको जी से कर लेना है। इसका जोड़ी का मिलान आपका जी से हो जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों चौथे नंबर पर जो लिखा गया है इसकी जोड़ी का मिलान दोस्तों आपको एच से कर लेना है। और उसी के अलावा दोस्तों चौथे के बाद में पाँचवे नंबर पर जो लिखा है दोस्तों इसकी जोड़ी का मिलान आपको ए से कर लेना है। और उसके अलावा दोस्तों छठे नंबर की जो जोड़ी दे रखी है इसका मिलान दोस्तों आपको बी से कर लेना है। और उसी के अलावा दोस्तों सातवें नंबर पर जो लिखा है इसकी जोड़ी का मिलान आपको सी से कर लेना है। और उसके अलावा दोस्तों आठवें नंबर पर जो लिखा है इसकी जोड़ी का मिलान आपको डी से कर लेना है। देखिएगा दोस्तों हमारे द्वारा यहाँ पर आप सभी को जोड़ी का मिलान दिखा दिया गया है। और उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं। देखिएगा दोस्तों यहाँ से आपको लिख लेना है टिंचर आयोडीन, क्या कहते हैं दोस्तों इसको, यहाँ से आप लोग लिख ले टिंचर आयोडीन, तो ये इसको कहा जाता है दोस्तों टिंचर आयोडीन, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, दो अविलेय द्रव्यों को किस तकनीक से पृथक किया जाता है। देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा है इसमें लिख लेना है पृथककारी कीप द्वारा, क्या लिख लेना इस जगह से पृथककारी कीप द्वारा इसे दोस्तों अलग किया जाता है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से अगर देखा जाए तो तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों को रासायनिक रूप से संयोजित पदार्थ क्या कहलाता है। देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना है यौगिक, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, यौगिक इसे कहा जाता है। और उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर बल का एसआई मात्रक होता है। तो देखिएगा दोस्तों बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इस जगह से आप लोग नोट कर लेंगे न्यूटन। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है दाब का एसआई मात्रक होता है। तो देखिएगा दोस्तों दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर, क्या होता है न्यूटन मीटर होता है दाब का एसआई मात्रक। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, गोकरू गाजर घास मेहता किसका उदाहरण है। तो देखिएगा दोस्तों ये खरपतवार के उदाहरण है, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे खरपतवार, ये इसके उदाहरण है दोस्तों। उसी के अलावा आगे क्वेश्चन लिखा है, कल लिखा है दोस्तों कड़कनाथ किस जंतु का नस्ल है। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इनको नोट कर लेंगे, ये पूरे का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा दोस्तों ए टू जेड क्वेश्चन आपके पेपर में यहीं से पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ ए टू जेड क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ केनाल किरण क्या है, कैथोड किरण क्या है, पूरा का पूरा दोस्तों ए टू जेड क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में ऐसे कैसे पूछे जाएंगे, आप सभी लोग यहाँ से इनको नोट करते चलें। देखिएगा पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा कैसे आएगा जैसा कि मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा आगे आप लोग देख सकते हो, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या है, संवेग से आप क्या समझते हैं, संतुलित बल कैसे कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। देखिएगा सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी प्रकार से नोट कर लें, ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आपसे इसी हिसाब से पूछा जाएगा जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ से आपको दिखाया है। देखिएगा पूरे के पूरा क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने यहाँ से आपको दिखाया, तो आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इन क्वेश्चन का रिविजन अच्छी प्रकार से कर लें ताकि दोस्तों आप सभी लोग इनको परीक्षाओं में अच्छे से लिख कर आ सकें।
दोस्तों देखिएगा, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पे पूरा करते हैं। आप सभी को आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।